जय हिंद सभी साथियों। जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोविड-19 जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है, तो कोविड-19 से रिलेटेड सभी इंग्लिश के वो शब्द जो कि प्रचलन में बहुत ज़्यादा है और हमको इसकी हिंदी या कुछ भी यूसेज इसका सही से ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद में ये देखेंगे कि ये डिसीज़ है, इसके कितने स्टेप्स हैं, किस स्टेप से ये फैल। सबसे पहला जो है ये हम लोग लिखेंगे कोविड-19 का जो अगर फुल फॉर्म बोलेंगे, बात की जाए फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कोरोना वायरस और डिसीज। कोविड-19 का आपका फुल फॉर्म हो गया कोरोना वायरस डिजीज, यानी हो गया कोरोना वायरस की हिंदी हो गई आपकी विषाणु, और डिसीज का मतलब सभी को पता होगा रोग, ठीक। कोरोना विषाणु रोग, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कोविड-19। और अच्छा, इसमें 19 जो पीछे लगा इसको भी साथियों कैसे समझा जाएगा, सब बताया जाता है कि सन 2019 में 31 दिसंबर सन 2019 को इसका फर्स्ट केस देखने को मिला था, जिसकी वजह से इसमें लास्ट में 19 लिखा हुआ है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है। आइए देखते हैं कि इसमें स्टेप कितने होते हैं बीमारी के। सबसे पहले बीमारी कोई भी हो जो फैलती है, जो कि संक्रमण द्वारा फैलती है, उसका 3 स्टेप सिंपली बताया जाता है, ये आउटब्रेक, फिर होती एपिडेमिक, और तीसरी आपकी हो गई है पैंडेमिक, ठीक। आउटब्रेक क्या होती है, बहुत ही स्मॉल टाउन हम समझ सकते हैं कि फैलने का स्तर, ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी, ऐसा रोग, ऐसा डिसीज जो कि वायरस के थ्रू फैले बट कितने धीरे धीरे बहुत ही स्मॉल लेवल से फैले, तो वो आपकी आउटब्रेक कहलाती है। बहुत ही मतलब आज जैसे हुआ, फिर कम से कम महीने भर बाद वो असर कर रही है, और बहुत ही छोटे एरिया, बहुत ही शॉर्ट एरिया में, तो वो आउटब्रेक है। एपिडेमिक जो होता है उसका हिंदी होता है महामारी, उसका हिंदी होता है महामारी। एपिडेमिक की हिंदी होती है महामारी। महामारी कैसे होती है, ये भी एक कम्युनिटी, विशेष पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी हम कह सकते हैं एक ऐसे क्षेत्र में फैले, महामारी है तो फैलना, इसका जो संक्रमण का वो संक्रमण जैसे होता है तो वो तेजी से ना फैल करके फैलेगी, बट इसका एक ऐसा पर्टिकुलर होता है, जैसे हमने मान लिया कोई गाँव, कोई शहर इससे संक्रमित हुआ तो पूरा वो शहर उतना ही चपेट में आएगा, इससे पूरे देश से जा करके दूसरे देशों में ना फैलती होती महामारी, ठीक। और जो पैंडेमिक होती है ये होती सर्वव्यापी महामारी, ठीक, ये होती पैंडेमिक। अब आप गेस कर सकते हैं, आसानी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कोविड-19 है, ये जो वायरस बताया जाता है कि कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा आउटब्रेक है या एपिडेमिक या पैंडेमिक, ये आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि क्यों, किस टाइप का ये वायरस जो है वो किस प्रकार की महामारी को फैलाने में लगा हुआ। तो ये रहा आपका कोविड-19 से रिलेटेड कुछ हमने आपको शब्द बताए। अब आगे हम लोग वो शब्द देखेंगे जो कि हालांकि कुछ लोग हैं वो कहते थे कि वायरस दिया गया विषाणु है, तो कुछ लोग कहते हैं विषाणु का वही जो कीटाणु, कुछ लोग कीटाणु कहते हैं, कोई विषाणु कहता है, कोई जीवाणु कहता है, हालांकि इसकी शुद्ध हिंदी आपकी विषाणु ही होती है। अब कीटाणु कहो या जूजू कहो, कुछ भी कहो, ये आप पर डिपेंड है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ ऐसे वर्ड इंग्लिश के सीखेंगे जो कि हॉस्पिटल या न्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा सुनने मिलेंगे, जैसे हो गया आपका मास्क, बच्चा जानता है मास्क क्या होता है, फेस पे जिसको हम लोग लगाते हैं वायरस को फैलने से रोका जा सके, इसके लिए मास्क हो गया आपका, और सैनिटाइज़र क्या होता है, वो किसी ऐसा प्रोसेस वायरस जिससे कि नष्ट हो जाता है सभी को पता, वो लगा करके लोग हाथ उससे साफ करते हैं उसको, तो वो सैनिटाइज़र होता है, उसकी स्पेलिंग में लिखे थे, तो ये आपकी वर्ब भी होती है। सैनिटाइज माने होता है किसी चीज़ को स्वच्छ करना, और सैनिटाइज़र जो होता है वो एक तरीके का लिक्विड आता है, सैनिटाइज़र सभी को इसके बारे में पता है, सैनिटाइज़र, ठीक। और अगला जो वर्ड वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो दो डिफरेंस उसके बीच में बताना चाहूँगा, लोग ये नहीं समझ पाते कि एक वर्ड होता है क्वारंटाइन, यानी कुछ लोग उसको क्वारंटाइन बोलते हैं, और आइसोलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आइए समझते हैं। आइसोलेशन और क्वारंटाइन, ठीक। तो ये जो दो शब्द हैं इन दोनों में देखिए,
स्पेशली क्वारंटाइन जो होता है वो होता है अस्पताल में ही, लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने अपने होम यानी घर में ही क्वारंटाइन कर लिया, यानी घर में ही खुद को दूसरों से अलग। क्वारंटाइन का जो रियल मीन्स होता है पीपल, मतलब लोग, बिल्डिंग्स, प्लेसेस, ऐसे स्थानों से, बिल्डिंग से हो गया, स्थान से हो गया, लोगों से खुद को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो क्वारंटाइन कहलाता है। कहते हैं कि वो होम क्वारंटाइन में है, कोई भी पीएम सीएम जो भी है होम क्वारंटाइन में। फिर अस्पताल में जो क्वारंटाइन होता है वहाँ पर उनको नर्स अवेल कराई जाती है, नर्स वगैरह होती है, वो उनका इलाज भी, देख रेख भी। और क्वारंटाइन का मतलब होता है नॉट मतलब ट्रीटमेंट, इसमें आपका इलाज नहीं होगा, सिर्फ आप अपने आप को दूसरों से पृथक कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ये मीन्स होता है क्वारंटाइन का। और आइसोलेशन का मतलब ये होता है, ये स्पेशली वार्ड होता है, आइसोलेशन वार्ड लग जाता है, इट मीन्स इसमें पृथक तो किया जाएगा आपको। इसमें आइसोलेशन वार्ड में क्या होगा, क्वारंटाइन में आप अकेले ही जाते हैं और आइसोलेशन में आपके साथ कोई और भी हो सकता है, और इसके साथ में 100% आपको नर्स का ट्रीटमेंट भी मिलेगा। और क्वारंटाइन में ऐसा नहीं होता, क्वारंटाइन में क्या होगा आपको अलग कर दिया जाएगा, सुरक्षित कर दिया जाएगा, बट उसमें कोई भी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसमें आपको खुद को दूसरों से अलग करना, बस लोगों से, बिल्डिंग, प्लेस, इन सब। और आइसोलेशन वार्ड जो होता है वो हॉस्पिटल्स में होता है, ये जो हॉस्पिटल में होते हैं उतने एरिया को आइसोलेट कर देना, वहाँ जाना हॉस्पिटल, वहाँ पर आपको नर्स वगैरह, इस तरीके से आइसोलेशन होता है। और लगभग मास्क तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। तो ये रही कुछ COVID-19 से रिलेटेड जो भी जानकारी थी, इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द थे जो आपको हो सकता है इनसे आप ना जागरूक हों और ना आपको पता, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।